सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर अभी के टाइम पे कुछ इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एंड बहुत सारे लोग इनको देखना पसंद करते हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कि भाई इस तरह की वीडियो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बनाए हुए हैं, बट आज फिर से मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे प्रेस कर देना। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। एंड दोस्तों आपको वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है, अगर आप लोग सही तरह से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हो तो आपका आधा वीडियो उसमें रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन को अपने हाथ में ले लेना है, जैसे कि आप लोग यहाँ मेरे फोन को देख सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो और भी अच्छी बात है, हालांकि मुझे पता है आपके पास एंड्रॉइड फोन ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको एंड्रॉइड फोन से ही बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में मेरा फोन देख सकते हो, उसका मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। एंड दोस्तों ऐसे आपको वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करना है जैसे कि आप लोग ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से उल्टा हाथ करके अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप लोग मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हो, ये मैंने अपने मोटरसाइकिल के साथ अपने सूरज को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है, जिस तरह से उसका जो सेचुरेशन है थोड़ा डाउन आए एंड उसकी जो लाइटिंग है सूरज की थोड़ी डाउन आए, थोड़ी उसके अंदर जो येलो टोन है वो थोड़ी आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको कुछ अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। आप चाहे तो ट्रैक्टर के साथ या फिर बाइक के साथ या फिर अपने कोई खेती बाड़ी के साथ कर सकते हो, मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने जो ये वीडियो देखा, इस तरह का वीडियो आपको एक रिकॉर्ड कर लेना है एंड रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों आपको इसे एडिट करना है। तो एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला दोस्तों कैपकट ऐप को, बिकॉज उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग अब की बार आ चुकी है। तो चलिए उस वीडियो को आपको कैसे एडिट करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। बस दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, आप लोग मेरे मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक VPN को कनेक्ट कर लेना है, बिकॉज आप लोगों को पता है जो कैपकट एप्लीकेशन है विदाउट VPN वर्क नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक VPN यहाँ पे कनेक्ट कर लिया जिसका नाम है पावर VPN। आप लोग भी कोई एक VPN कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्टली अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा कैपकट ऐप है, मैंने इसको ओपन कर लिया है एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था आपको उसके ऊपर सिलेक्ट करके आपको उसे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड सबसे पहले मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा मेरा वीडियो है एंड हम इसे कैसे आपको एडिट करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कुछ इस तरह का मेरा वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसे कलर ग्रेड करके दिखाता हूँ कैसा मेरा वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आपको अपने वीडियो के एक बार ऊपर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडजस्ट का, तो यहाँ से दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने काफ़ी सारे सेटिंग्स खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको कुछ सेटिंग्स करनी है जैसे आपकी वीडियो ना एकदम अच्छी वाली कलर ग्रेड हो जाएगी। तो आपको क्या सेटिंग्स करनी है, सबसे पहले आपको ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों एंड क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को आपको कर देना है -10, ठीक है। तो जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ वो आपको करते जाना है, तो आपका वीडियो बहुत ही खतरनाक वाला एडिट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ब्राइटनेस यहाँ पे हो चुका है -10 एंड दोस्तों अब आपको जाना है कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। तो चलिए मैं अपने कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको रखना है +6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका वीडियो कुछ इस तरह से हो चुका है, +6 आपको कॉन्ट्रास्ट रखना है। एंड दोस्तों अब आपको जाना है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है दोस्तों सैचुरेशन। सैचुरेशन को दोस्तों आपको कर देना है +13, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ +13 सैचुरेशन। तो आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो में क्वालिटी आना शुरू हो चुका है, पहले वीडियो मेरा कुछ इस तरह से था एंड अब कुछ इस तरह से हो चुका है। बट दोस्तों जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, तो आपका वीडियो बहुत ही मस्त बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको जाना है एक्सपोजर के ऊपर। तो दोस्तों एक्सपोजर को आपको कर देना है -3। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सेम फॉलो करना है। तो चलिए मैंने -3 यहाँ पे कर दिया है अपने एक्सपोजर को। एंड दोस्तों अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यहाँ पे आपको शार्पनेस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। यहाँ से आपको HSL के ऊपर क्लिक कर देना है। HSL के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे येलो टोन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड येलो टोन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हुई को कर देना है -25, ठीक है।
तो चलिए मैंने -25 कर दिया हुई को, एंड क्वालिटी आप लोग खुद देख सकते हो कितना गजब वाला आ चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इसकी सेचुरेशन को कर देना है +76, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी +76 कर देता हूँ, तो मेरा इतना आ चुका है +76। तो आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी एकदम सेम वही आ चुकी है जो कि वीडियो में थी। तो अब दोस्तों जाना है आपको ल्यूमिनस को दोस्तों कर देना है आपको -10, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको कर देना है। तो चलिए मैंने -10 यहाँ पे कर दिया ल्यूमिनस को। तो यहाँ से दोस्तों आपका HSL का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ से आपको हाइलाइट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग हाइलाइट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे +40 कर देना है। तो +40 कर देने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 14 हो चुका है ये। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे जाना है आपको टेम्परेचर के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, एंड आपको इसे +6 कर देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपके वीडियो में कितनी ज़्यादा क्वालिटी आ चुकी है। एंड यहाँ से दोस्तों आपका सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग रह गया है, वो है दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पे आपको विजिनिटी का एक ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड आपको +60 कर देना है इसे, 16 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आपका 16 हो चुका है। तो आपके जो कॉर्नर में शेडो आ जाएगा ब्लैक वाला, इससे आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्त बनेगा। तो चलिए एक बार हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं कैसा हमारा वीडियो बन चुका है। तो देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा मस्त एंड कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरा वीडियो यहाँ पे बन चुका है। तो अगर आप लोग भी इस तरह से अपने वीडियो को एडिट करते हो जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो आप लोग भी बहुत ही आसान तरीके से फार्मिंग वाले रील्स बना सकते हो। बस आपको जो मैंने बताया वही आपको टिप्स फॉलो करनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान एंड सिंपल मेथड था, आप लोग इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखना। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलती रहती है।